नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अपने गानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और गाने में जिस तरीके से वो तहलका मचाते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया इतिहास और कीर्तिमान रचते जाते हैं। और खेसारी लाल यादव के कई सारे ऐसे गाने हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए हैं और उसको टक्कर देने में कोई और उनके सामने टिकता तक नहीं। यहाँ की पवन सिंह भी खेसारी लाल यादव को टक्कर नहीं दे पाते हैं और खेसारी लाल यादव इतना ज्यादा गाना गाते हैं इसके बावजूद भी उनके गानों पर इतना भरपूर प्यार मिलता है और गाना ट्रेंडिंग में जाना लाजमी हो जाता है। बात करें तो गाने के बाद अब भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्मों के सिनेमा में जो है खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा कारनामा कर दिया है और खेसारी लाल यादव एक नया इतिहास जो है वो रचते नजर आते हैं। जी हाँ, बात करें तो 14 तारीख को एक फिल्म रिलीज हुआ था खेसारी लाल यादव का दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ मधु शर्मा और काजल राघवानी नजर आई है और ये फिल्म जो है काफी ज्यादा कमाल की है और ये फिल्म जो है 14 तारीख के बाद 27 मिलियन का जबरदस्त तरीके का व्यूज गेन कर लिया है। तो वहीं 3,56,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, 15,000 से ज्यादा इस फिल्म पर कमेंट्स मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये फिल्म जब से रिलीज हुआ है तब से नेपाल में लगातार ट्रेंड करते नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल जैसे राज्य में ये फिल्म ट्रेंड कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिलहाल जो ये जो फिल्म है दुल्हन वही जो पिया मन भावे 4 नंबर पर ओरिजिनल सेक्शन में नेपाल में ट्रेंड कर रहा है और व्यूअर के मामले में तांडव नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 14 तारीख के बाद 25 तारीख तक यानी कि लगभग 10-11 दिन तक मेन सेक्शन नेपाल में ट्रेंडिंग करना भोजपुरी इंडस्ट्री में एक इतिहास की बात है और मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले भी कोई ऐसे कलाकार जो है इतने दिन तक अपने फिल्म को ट्रेंड कराए होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये अपडेट था, मुझे लगा बताना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।